नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का उदयपुर पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में घूम रहे थे जूते चोर गिरोह, मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, दो बाल अपचारी किए डिटेन। दो दिन में 3 विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया, कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मंथन। दोस्तों के साथ प्लानिंग बनाकर की थी वारदात, घर से सोना चुराने वाले बेटे को जेल भेजा, 35 तोला सोना बरामद। कुराबर थाना क्षेत्र के दांतीसर में चोरों ने देर रात 3 से 4 घरों में तोड़े ताले, लोगों में फैला रोष। सलीला सलूम्बर तथा उत्तराखंड बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा द्वारा किया गया वेबिनार आयोजित, सेमारी रेलवे अधिकारियों के साथ उदयपुर सांसद ने सेमारी रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। बकरियां चराते दो युवकों और बालक पर तेंदुए का हमला, एक घायल, दो ने भागकर बचाई जान। सलूम्बर विशाखा संस्था द्वारा शिक्षा के प्रति जागरूक अभियान। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर स्पेशल पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो शहर में साइकिल और जूते चुराने का काम कर रहा था। स्पेशल पुलिस और भोपालपुरा थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए साइकिल जूते चोर गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा है, जिनमें खेमपुरा निवासी 20 वर्षीय शुभम बाकोलिया और 2 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास 20 जोड़ी ब्रांडेड जूते, 15 जैकेट और 14 साइकिल भी बरामद कर ली है। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपियों द्वारा शहर में महंगी साइकिल और ब्रांडेड कपड़े जूते चुराए जा रहे थे। आरोपियों ने बताया कि साइकिल और कपड़े जूते चोरी होने पर कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाता था। ऐसे में पिछले लंबे समय से ये लोग चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों ने शहर के केशव नगर, शांति नगर, पोलो ग्राउंड, सविना इलाके से साइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इसके साथ ही फतेहपुरा, हिरण मंगरी और रूपसागर इलाके में आरोपियों ने कपड़े और जूते चुराए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 लाख की कीमत की 14 साइकिलें, 20 जोड़ी जूते और 15 जैकेट बरामद किए हैं। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों में 22 से 25 साइकिल चुराई थी, जिसके बाद चुराई हुई साइकिल को कुछ दिन चलाकर अपने जानकारों को औने पौने दामों पर बेच देते थे। साइकिल बेचने के बाद आए पैसों से वह मौज मस्ती करते और फिर से नई जगह साइकिल चुराने की प्लानिंग करते, जबकि ब्रांडेड जूते और जैकेट चुराने पर वह उसका इस्तेमाल करते थे। आरोपियों ने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी ब्रांडेड कपड़े जूते की पहचान नहीं कर सकता था, ऐसे में वह लोग खुद उसका इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि साइकिल जूते चोरी मामले में गिरफ्तार शुभम के खिलाफ पूर्व में भी 5 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें निर्माणाधीन मकान से लोहे का सामान चोरी समेत अन्य छोटी चोरी की वारदातें शामिल है। शुरुआती पूछताछ में शुभम ने बताया कि उसने 2 बाल अपचारी को लालच देकर अपने साथ जोड़ा, जिसमें एक अपचारी कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहा था। ये तीनों रात में मोटरसाइकिल पर निकलकर घर की पार्किंग में पड़े साइकिल और जूते चुराते थे, फिर अपने परिचितों और रिश्तेदारों को औने पौने दाम में बेच दिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया शुक्रवार को उदयपुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान पुनिया भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, साथ ही श्रीनाथ जी के दर्शन कर बीजेपी की जीत का कमल खिलाने की प्रार्थना भी करेंगे। वहीं अपने इस दौरे पर सतीश पुनिया हाल ही में दिवंगत विधायकों और सांसद के परिजनों से मिलने भी पहुंचेंगे। सतीश पुनिया शुक्रवार सुबह सड़क मार्ग से वाया चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर पहुंचे। इस दौरान पुनिया भिंडर में गजेंद्र सिंह शक्तावत के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी देंगे। वहीं उदयपुर पहुंचकर सतीश पुनिया बीजेपी की नेत्री किरण माहेश्वरी और महावीर भगोरा के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद सतीश पुनिया शाम 5 बजे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसके बाद देर शाम सतीश पुनिया नाद्वारा के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। बता दें कि सतीश पुनिया का यह दौरा विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर माना जा रहा है। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव में टिकट के दावेदारों ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि सतीश पुनिया राजसमंद विधानसभा सीट की जमीनी हकीकत जानने के लिए उदयपुर पहुंचे हैं। ऐसे में उदयपुर के बाद पुनिया राजसमंद प्रवास पर भी रहेंगे, जिसके बाद पुनिया भिलवाड़ा पहुंचेंगे और सहाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। खटेक मोहल्ले में पिछले दिनों घर की अलमारियों से बिना ताला तोड़े 35 तोला सोने के आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस ने कस्बे के 5 आरोपी को गिरफ्तार किया था। सोने के गहनों की बरामदगी करने के लिए पूछताछ के लिए कोर्ट से 2 दिन पीसी रिमांड लिया था। पुलिस ने पूछताछ कर 35 तोला सोने के गहने बरामद कर मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि कुछ गहने बेच दिए थे, जिनके रुपए लेकर मामले में चोरी लगभग बरामद की कर ली गई है। पूछताछ के बाद 5 आरोपियों को गुरुवार को जेसी कर दिया गया। बताया कि पिछले दिनों रामप्रसाद खटीक ने अपने घर में बिना ताले तोड़े अलमारियों से गहने चोरी की रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने टीम बनाकर जांच शुरू की, इसमें पुत्र ही मुख्य आरोपी निकला। पुलिस ने शेखर खटीक, रवि पुत्र जगदीश चंद्र पालीवाल, हर्षित पुत्र करण कोठारी, खरीददार घनश्याम पुत्र बंशीलाल सोनी, मयंक पुत्र संतोष सोनी को गिरफ्तार कर जेसी किया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
मारे आंगण की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगण की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घड़ी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में एक कहावत चरितार्थ हो रही है, चोर है कि माने नहीं, कुराबड़ थाना पुलिस है कि जाने नहीं। थाना पुलिस पर सटीक बैठती है। बीते 2 साल से क्षेत्र में हो रही अनगिनत चोरियों पर पुलिस ना तो लगाम लगा पा रही है और ना ही मामले का खुलासा कर रही है। नवम्बर 2020 से जनवरी 2021 तक हर 10वें दिन चोर क्षेत्र में लूट की वारदात को अंजाम देने में लोगों में काफी रोष है। ऐसे में आमजन में विश्वास बनाने वाली पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार कुराबड़ थाना क्षेत्र के दांतीसर में देर रात 3 से 4 घरों में ताले तोड़ दिए गए। हालांकि परिवार में जाग होने के कारण कोई अनहोनी या जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बताया गया कि दांतीसर में केसरबाई घर के सुनसान मकान में चोरों ने सेंधमारी करके कपड़े बिखेरे और अन्य सामान ले जाने की कोशिश की। वहीं विजय जैन के घर के बाहर ताला तोड़ा। समीप रहने वाले अमरचंद जैन के घर पर ताला तोड़ने की कोशिश की और जैसे ही आवाज आने पर परिवार के सदस्य जाग गए थे। हो हल्ला होने पर चोर वहां से भागने लगे। जाते जाते और रोडदा में पूंजालाल पटेल की ई मित्र की दुकान पर भी ताला तोड़ा, लेकिन इन 3-4 जगह वारदात पर चोरों को कोई सफलता नहीं मिली। इधर गश्त कर रही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लुटेरों का पीछा किया, लेकिन लुटेरे हाथ नहीं चढ़े। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए अनुसंधान जारी कर दिया। बाल निर्माण में बाल साहित्य की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, अतः बाल साहित्य को द्वयम दर्जे का मानना अनुचित है। यह कहना है वरिष्ठ बाल साहित्यकार तथा सिंगानिया विश्वविद्यालय पचेरी बड़ी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉक्टर राम निवास मानव का। सलीला सलुम्बर तथा उत्तराखंड बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वर्चुअल शोध पत्र वाचन एवं कवि दरबार कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए उन्होंने कहा कि बाल साहित्य भी मूलतः साहित्य ही है, अतः इसमें भी उन सभी तत्वों का समावेश आवश्यक है जो साहित्य के लिए अपेक्षित है। उन्होंने हर आयु और वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग बाल साहित्य लिखे जाने तथा उसे बाल पाठकों तक पहुंचाने की भी वकालत की। बाल प्रहरी पत्रिका के संपादक तथा उत्तराखंड बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा के सचिव उदय किरोड़ा ने अपने अध्यक्ष वक्तव्य में कहा कि बाल साहित्य को बाल पाठकों तक पहुंचाना एक आवश्यकता भी है और चुनौती भी। बाल साहित्य बच्चों को संस्कार भी देता है और शिक्षा भी। अतः बाल निर्माण के माध्यम से राष्ट्र निर्माण हेतु श्रेष्ठ बाल साहित्य का निर्माण आवश्यक है। समारोह के दूसरे सत्र में कवि दरबार आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर राकेश चक्र, फहीम अहमद, प्रभु दयाल, उषा सोमानी, गौरव स्वप्निल, बलदाऊ राम साहू, तरुण कुमार दादिच और डॉक्टर राम निवास मानव सहित 7 कवियों की 2-2 बाल कविताएं बच्चों द्वारा प्रस्तुत की गई। इन बच्चों में भव्याक्षी दादिच, मृगांक दादिच, आयुष, काव्या चौधरी, आस्था जानवी गौड़, निधि भारद्वाज, आरोही माहेश्वरी, आर्णा गौरव, इशिता श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव, अर्थव साहू, शिफा शबनम, अब्दुल हादी, अदिति चौकड़ा और आराध्या गौरव के नाम शामिल है। इस अवसर पर सभी प्रतियोगी बच्चों को प्रमाण पत्र और बाल साहित्य भेंट कर सम्मानित किया गया। लगभग 2.5 घंटों तक चले इस समारोह को फेसबुक द्वारा लाइव प्रसारण किया गया। उदयपुर जिले के सेमानी कस्बे के नव निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का उदयपुर जिला सांसद अर्जुन लाल मीना ने रेलवे अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर मार्च 2022 तक लाइन पर रेलवे की शुरुआत होने के बाद कही। सांसद के सेमानी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर स्थानीय व्यापार मंडल व ग्रामीणों के साथ भाजपा जन प्रतिनिधियों व रेलवे स्टेशन संघर्ष समिति के लोगों ने सांसद व अधिकारियों का स्वागत कर नव निर्मित रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली सभी लंबी दूरियों की गाड़ियों के ठहराव को लेकर बात कही। साथ ही पुराने स्टेशन भवन के बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया कम करने पर नाराजगी बताते हुए जनप्रतिनिधियों ने एक ज्ञापन देकर पूरे एरिया को बाउंड्री वॉल कराने की मांग की। रेलवे अधिकारी राम सिंह मीना तथा वर्मा साहब ने बताया कि गाड़ियों का ठहराव रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के टिकट बुकिंग पर ही आधारित होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्टेशन पर टिकट बुकिंग कराएं व रेलवे का सफर करें। निरीक्षण के दौरान सांसद ने कहा कि ऋषभदेव रोड तथा सेमारी सुरकंड खेड़ा होकर टीडी नदी पर बन रहे 150 मीटर पुल तथा जावर को और जा रही 821 मीटर लंबी सुरंग के कार्य की गुणवत्ता का अवलोकन करेंगे। अहमदाबाद, हिम्मतनगर,
उदयपुर हवामान परिवर्तन योजना पूर्ण होने पर साउथ के राज्य व दिल्ली गुजरात जाने के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। सांसद के आगमन पर सेवारे भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र कलाल, पंचायत समिति प्रधान दुर्गा प्रसाद मीणा, व्यापार मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश जैन, पुष्पेंद्र जैन, दिलावर सिंह शक्तावत, रूपलाल प्रजापत, भगवतीलाल जोशी, नारायण सेवक, राजेंद्र पंड्या, मोहन सालवी, बसंत सोनी, विनय टेलर सहित सभी रेलवे स्टेशन संघर्ष समिति के सदस्य उपस्थित थे। उदयपुर जिले के मेवल क्षेत्र के उदरता गांव में पैंथर ने हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार उदरता के गांगिया फला में पैंथर ने हमला किया, जिसमें वरदा पिता देवाजी उम्रबाई घायल हो गया। बताया गया कि पैंथर ने उसके कंधे पर हमला किया, जिस पर उसके नाखून के निशान लगे। वहीं दो अन्य युवक नाना पिता मेघजी, अशोक पिता खेमा ने भागकर जान बचाई। खेतों में रोजड़ों से परेशान युवकों ने खेत में रखवाली करने के लिए गए थे, इसी दौरान महाघात लगाए पैंथर ने हमला कर दिया। सूचना पर सलूंबर से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। वन विभाग की टीम मामले की जाँच की है। विशाखा संस्था द्वारा चालू रखे पढ़ाई विषयांतर्गत 10 दिन का कैंपेन सलूंबर और झल्लारा पंचायत समिति के 30 गांवों में चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद होने के कारण लड़के और लड़कियों की शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ा है। कई लड़के व लड़कियां स्कूल नहीं जाने का सोच रहे हैं, इसलिए संस्था छात्र छात्राओं की समस्या की पहचान कर कुछ रास्ते निकालने का प्रयास कर रही है। आज 22/1 से अभियान सेरिया, बरौलिया व कादमा गांव से शुरू किया गया। उदयपुर पोस्ट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।